बिहार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छोटी बच्ची ने दावा किया है कि उसे मां दुर्गा ने प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। सीहोर जिले के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में एक छोटी कन्या को मां दुर्गा ने प्रकट होकर दर्शन दिए। इस बात का दावा वो बच्ची स्वयं कर रही है। वह एक गरीब परिवार की बालिका है जो किराए से मंदिर के पास ही रहती है। बताया जा रहा है कि बच्ची प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ माता की पूजा अर्चना और श्रृंगार करती है। बालिका से पूछने पर उसने बताया कि उसे देवी माँ ने दर्शन दिए और वो एक महिला के रूप में प्रकट हुई थी। उस महिला ने बच्ची से कहा कि तुम्हारा घर जल्द ही बन जाएगा, तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति विराजित करना, तुम्हारे सभी काम सफल होंगे। इसके बाद वह महिला बच्ची को फूल देकर गायब हो गई और महिला के पैरों के निशान मंदिर में रह गए। इस घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मंदिर में दर्शन करने उमड़ पड़े। माता जी आए, मतलब वो सीढ़ी लगी तो वापस ही चलती आई और वहाँ खड़ी होकर मैंने तो पूछा कितनी आप श्रृंगार कर रहे हो, मैंने कहा हाँ श्रृंगार कर रही हूँ। मैं कहा आप कर रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने श्रृंगार नहीं कर रही। तो फिर मैंने ये कहा आपका घर कहाँ है? और मैंने पूछा वो फूल भी लाई थी, मैंने कहा फूल क्यों लाया हाथ में? तो उन्होंने कहा दीदी यहाँ पर चढ़ा देना, तो मेरे को हाथ में दे के गई। तो अब मेरे से पूछा कि आपका घर कहाँ है? तो मैंने कहा कि मेरा घर बन रहा है। बोलती गई कि अपने घर में छोटी सी मूर्ति लगाना भगवान की। तो फिर मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है? दो तीन बार पूछा, लेकिन उसने ये जवाब दिया कि दीदी आप श्रृंगार अच्छे करते हो। फिर मैंने दो तीन बार पूछा दीदी आपका घर कहाँ है बताओ ना। तो उसने कुछ बोला ही नहीं, गायब हो गई वो अचानक से, और वहाँ पर मेरे को पैर मंडे हुए दिखे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।